नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। डायल 112 की गाड़ी मौके पर है। आपको बता दूं, एक साइकिल और एक बाइक में भयानक टक्कर हो जाती है। जी हां, दोनों ही बताया जा रहा है कि घायल भी होते हैं और साइकिल सवार की साइकिल यहां पर गिरी हुई आपको नज़र आएगी। जी हां, ये साइकिल आपको नज़र आ जाएगी। एम्बुलेंस मौके पर आती है, मौके से घायलों को लेकर जाती है। साइकिल इस साइकिल पर जा रहा था, बहुत ही बताया जा रहा है गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। लोगों की भीड़, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। महिलाओं ने बताया जा रहा है कि बचाया है किसी तरह, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन किया है और डायल 112 की गाड़ी को फ़ोन किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं, एम्बुलेंस मौके पर जो पहुँची है, यहाँ से जो है घायल को लेकर जाएंगे। जी हाँ, साइकिल सवार को बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा चोटें जरूर आई हैं। ये तस्वीरें नूर महल चौक के पास लगते जो है सड़क से हुआ है यहाँ पर हादसा बताया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है अपने काम पर जा रहा था, वहाँ पर जो है ये भयानक हादसा सामने आता है। उसके बाद किस तरह से लोगों की भीड़ जरूर जमा हो जाती है, दोनों ही बताया जा रहा है। घायल तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जो बाइक सवार है वो चला गया था, लेकिन वो बाद में आ गया और दोनों ही घायल हैं और दोनों को ही अस्पताल जरूर लेकर जाया जा रहा है। आपसे अपील करूंगी, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। देख सकते हैं एम्बुलेंस में जो है घायलों को लेकर गई है। फिलहाल आपसे अपील, वीडियो को शेयर करें। डायल 112 की गाड़ी मौके पर है। घायल के जो लोग हैं इनका भी फिलहाल पता नहीं चल पाया, उनके आसपास कहीं शायद वो रहने वाला होगा। तो यहाँ पर मौजूद महिलाओं से और पुलिस से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। 10 मिनट पहले कॉल कर लीजिए, टाइम तो आई यहाँ पता लगा एक बार दिखा दे, भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसको सरकारी अस्पताल पहुँचा दिया। क्या कहता है, ये मोड़ पर हुआ था, ये 32 सेक्टर के मोड़ है। किसके साथ हुआ था? साइकिल पे था कोई? साइकिल था, मोटरसाइकिल था। कहाँ का रहने वाला था बाइक वाला? बाइक वाला का हम नहीं पहचानते हैं कहाँ का रहने वाला था। साइकिल वाला तो ये पीछे झोपड़ी वाले थे। क्या काम करता था? वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी के लिए निकला था? हाँ। और बाकी तो हम इतना ही देखे थे, जब इतना सारे लोग जुट गया तब उसके उठा के ले गया, एम्बुलेंस वाला पुलिस वाले यार सारे आए। तो आगे भी एम्बुलेंस होते थे आगे? हाँ आगे। ज्यादा चोटें आई हैं उसको? चोट ज्यादा है, साइकिल वाला के ज्यादा चोट है, मोटरसाइकिल वाले के कम चोट है। मोटरसाइकिल वाला भाग गया? वो भी भाग गया कि पता नहीं कहाँ, मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। छोड़ के भाग गया? हाँ। यहाँ साइकिल वाला यहाँ से जा रहा था? यहाँ से जा रहा था। हाँ। और मोटरसाइकिल वाला आ रहा था? आ रहा था। हाँ। आमने सामने टक्कर हुई है? टक्कर हो गया, उसके तो साइकिल भी टूट गया, सारे कुछ टूट गया। अब साइकिल वाला कहाँ है? साइकिल वाला के ले गया अस्पताल, ले गया अस्पताल। लेकर घर में कौन कौन था उसके? उसके बहन है, बहन के घर में रहता था। हाँ, उनके बहन भी साथ में गया है। कहाँ, बिहार से आए थे वो? बिहार से। हाँ, बिहार के है, हमारे सबके सब बिहारे के हैं। तो पकड़ने की कोशिश नहीं करी बाइक वाले को? कोई नहीं पकड़ा, पुलिस वाले भी आया तो कहाँ पकड़े उनके, वो तब तक भाग गए। कितने बजे हुआ था हादसा? अभी 9 बजता होगा। यही रहता? 9 बजे हम यहीं रहते हैं। आवाज आई थी जब हादसा हुआ? आवाज आया, हमारे पड़ोसी सब बोल रहा, तब जाके हम दौड़ के हम सब भी गए। हम तो लेटा हुआ था, मेरी तबीयत खराब था। कोई बातचीत हुई थी साइकिल वाले से? कुछ कुछ भी नहीं, वो तो बोलता भी नहीं है, आवाजे नहीं निकलता उसके। ज्यादा चोट आई है? ज्यादा चोट है उनके। बहन है घर में अकेले? बहन है, बहन गया है साथ अस्पताल। काम के लिए निकला था? हाँ, काम करने के लिए निकला था। बेचारा उधर मोटरसाइकिल वाले कार वाले भैया आंख बंद करके चलाते हैं। गरीब लोग तो कोई पैदल चलता है, कोई साइकिल से चलता है, कोई जैसे तैसे चलता है, बेचारा गरीब लोग अपना टिफिन लेके। और मोटरसाइकिल वाले कार वाले पता है 100 की स्पीड में इतना स्पीड कार और मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, गरीब लोग को नहीं देखते हैं। यदि आगे आ गया, उस दिन मैं गोल चक्कर पे आ रही थी, मेरे एक कट्टे सामान थी, मैं आराम आराम से, मोटरसाइकिल वाले ने मेरे को ठोक दी, ठोक के मैं गिरी हुई रह गई वहीं पे, मेरी घुटने फूट गई, खून आ रही थी। अब मैं इतनी बेहोश होकर गिर गई थी, चक्कर खा के मैं थर थर आ रही थी। अब मोटरसाइकिल वाले ठोक के भाग गया वहाँ से, फिर 4-5 जेंट्स आया वहाँ से बेचारा मोटरसाइकिल वाले, और गाड़ी रोक के फिर मेरे को उठाया, उठा के साइड में बैठाया, पानी पिलाया, थोड़ी देर मैं बैठी, फिर मैं होश में आई तो मैं कैसे कैसे करके वहाँ से आई। गरीब लोग के दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, मोटरसाइकिल वाले कार वाले, मैं तो कहती कमीने कितने घटिया इंसान है ना, नहीं तो चलाना चाहिए तो औकात में। हर चीज के एक तरीका होता है,
हर चीज का एक तरीका होता है, चलाओ। ऐसे थोड़ी ना कि तू अमीर है तो किसी को कुचल के चला। गरीब लोग ऐसे मरती रहे रास्ते पे, टिफिन लेके चले ऐसे मरते चले। जब किसी को ना इतना दुखी होता है, इतना परेशानी होता है, मजबूरी है जो अपना काम करने के लिए इंसान गरीब। गरीब तो सुबह कमाता है तो शाम के अपना रोटी खाता है, सुबह कमाना वो छोड़ दे तो शाम के भूख मरेगा। पर ये कमीने अमीर को क्या है? अमीर तो कमीने कहता है पैसे है तो हम किसी को कुचल के चल देंगे, कभी हम पकड़ा जाएंगे तो पैसे फेंकेंगे, फिर हम अपना दफा। मर गया तो उसके गया, नहीं बच गया तो अपना भीख मांगे चाहे जो मांगे, चाहे सरगल के मरे चाहे नंगरे हो जाए, ऐसे छोड़ देते हैं दुनिया में। उसके लेटा दिया उसके मोटरसाइकिल वाले के लिए, कार वाले के कहने के लिए तो सारे मर गए हैं। पता नहीं मोदी भी लग रहा है मर गया है कमीने, मोटरसाइकिल वाले कार वाले के कहने के लिए। नहीं तो ये दो चीज को ना कभी भी कानून लागू होना चाहिए, और दो चीज वाले को ना कभी भी कानून लागू होना चाहिए, उनको शासन करना चाहिए कि गरीब लोग रास्ता पेरा चलता है भैया। गरीब लोग क्या देखे, गरीब के जीवन क्या है? पैदल चलना, कभी नंगे पाँव चलना, अपना दो वक्त की रोटी कमाना और खाना। पर अमीर नहीं समझ रहा है, कभी गरीब को दो मिनट लेट भी हो जाते हैं ना, अमीर लोग कुचल देते हैं गरीब लोग को। कितने भले बुरे सुनाते हो, टक्कर मार के भागे, उसको कौन रोकता है भैया? गरीब लोग पैदल कितना चलेगा, पैदल कितना चलेगा, दौड़ कितना लगाएगा? वो तो पैसे वाले हैं, निकल जाते हैं। काम वाले सब देखा, वो पैसे वाले हैं, वो तो मोटरसाइकिल वाले हैं, वो तो रेस उड़ा के निकल गया। ये बेचारा गरीब लोग पैदल चल रहा था अपना, उसको ठोकर मार गया कि कैसे चल रहा था, ठोकर मार के निकल गया। अब पैदल कितना, उसको कौन पीछा करेगा? गरीब लोग पैदल चाहे साइकिल से कितना पीछा करेगा? बस यही है भैया, गरीब लोग के कोई जिंदगी नहीं है दुनिया में। साइकिल से भैया, साइकिल से मेरे को कहते रही परसों ठोक दिया है गोल चक्कर से, मैं खुद मर के बची हूँ। मेरे इतनी सारे घुटने, ये तो ये ऊपर नहीं होगा, नहीं तो देखो अभी भी मैं बता रही हूँ, मेरे इतने घुटना फूटी हुई है और मैं इतने दर्द में झूल रही थी वहाँ पे, मैं मर रही थी तरफ तरफ। भैया कुछ ऐसे होना चाहिए कि चलो हर इंसान के मजबूरी है, काम है उसको। ये नहीं कह रही हूँ कि अमीर को चाहे गरीब को, किसी के लिए ये ना भगवान। देखो सुबह भी होता है एक ही बार सबके लिए, शाम भी होता है एक ही बार, करवाए उनके लिए इतना ही उनको होना चाहिए। हर मोटरसाइकिल वाले पर, हर साइकिल कार वाले पर जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, दो ही चीज़ के सुनो, उन पर होना चाहिए, इनके चलाना चाहिए। ऐसे थोड़ी है ना कि ऐसे आंख बंद करके चलाते। यदि इंसान को ठोकर मार दिया ना थोड़ा सा कोई बेहोश हो गया, उसको उठा लेना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। इंसान क्या करता है भैया, उसको और मरे हुए और क्या पता बीच में आ जाए तो कुचल के ही निकल जाते हैं कि भैया हम रुकेंगे तो फंस जाएंगे, क्या पता हमारा पैसा वो हो जाए, तो थोड़ा हम पैसे भी बचा ले कभी ना और निकल जाते। तो ये एक्सीडेंट के बाद ये इसको खुद अस्पताल ले जाते तो क्या पता इसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती? अब क्या पता जल्दी ठीक होएंगे कि क्या, बहुत सीरियस है बेचारा, उनके भी गरीब है, उनके घर में दुखी होएंगे, उनके बीवी बच्चे के दुख होएंगे और दूसरे किसको दुख होएंगे, सारे गरीब है। उसके जंगल में लेटा दिया, छोड़ दिया इसे, तो वो तो काम वाली सब जा रहा था तो देखा, तब जाके जो है उसके सारे उठाया। अच्छा, उठाया एम्बुलेंस, फिर पुलिस आया, एम्बुलेंस बुलाया, तब उसके बहन तो साथ में लेटा हुआ था, उसको लेटा, हाँ लेटा दिया, छोड़ दिया उसके। इस हालत में यदि वो मर गया तो, इस हालत में यदि वो मर गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन होएगा? गरीब को कोई है? कोई नहीं है गरीब को, बताओ। उसको तो इतना होने चाहिए कमीने का कि चल हमने ठोक दिया, चल इसको थोड़ा हॉस्पिटल में ही दाखिल कर देती हूँ, फोन कर देती हूँ, मैं निकल जाता हूँ, चल जाने बचाना, तू अपना जान बचा कर निकल ले। अपरता उसको जंगल में फेंक के भाग गया, ये कोई इंसाफ ही होता है कि नहीं होता है? ना इंसाफी गरीब के साथ, गरीब का जिंदगी को अमीर लोगों ने समझाया क्या? मेरी बस चले ना, मेरी क्या से क्या हाल कर दूँ अमीर लोगों के? पर अमीर लोगों के ना गरीब भगवान के बस में है, जो इंसान गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ नहीं कर सकता, पर अमीर बहुत कुछ कर सकता। अब पता नहीं भैया क्या काम करता है, पर इतना ही पता है कि देखो सारे दुख के मारे झुग्गी झोपड़ी जहाँ तहाँ रह रहे। हम खुद झुग्गी झोपड़ी में एक साल नहीं, 18 साल 17 साल रह के गए हैं भैया, मजबूरी है। फिर मैं यहाँ से चली गई और फिर अभी मैं वहाँ पे इतने, मैं खुद इतना दुखी हूँ परसों से, इतना मैं 3-4 दिन मैं छुट्टी में रही, मेरे को वो हो गया तो मैं आज काम पे जा रही हूँ। मैं इतना खुद बीमार पड़ गई थी भैया,
मेरे को ठोक दिया। खाली मोटरसाइकिल खाली ये बैग ठोकता है, ये बस तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बस चले ना तो ये दोनों चीज ही बंद करवा दूँ, पर बंद करने से दुनिया को पता है दुनिया को गुजारा चलता नहीं। हर इंसान की मजबूरी है, जरूरत है, पर जरूरत से ज्यादा मत सोचो, जरूरत से ज्यादा भैया। देख सकते हैं ये बाइक और साइकिल है, फिलहाल इसको यहाँ से लेकर जरूर जाया जा रहा है। दोनों ही आपस में भिड़ जाती हैं, उसके बाद ज़बरदस्त हादसा ज़रूर रहा। मौके पर पुलिस पहुँची, डायलेक्ट 112 पहुँची, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। और ये तस्वीरें देखते हैं, गाड़ी का नंबर अगर मैं बता दूँ बाइक का, HR05AH7403। जी हाँ, ये बाइक का नंबर है। इस बाइक और यही साइकिल थी जिस पर वो मजदूर जो व्यक्ति था वो सवार था। काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है साइकिल सवार को चोटें ज़रूर आई हैं। जी हाँ, क्योंकि वो साइकिल की हालत आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और साइकिल जो है डिवाइडर पर गिरी हुई थी। उसके बाद जो है घायल को मौके से ज़रूर लेकर जाया गया और नागरिक अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। फिलहाल आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी अमन गुरु।